शाउट कर रहे हैं। आलू गोश्त की बहुत मज़े का बना है, तो साथ चपाती है। यहाँ डिश आउट कर लिया, आलू और गोश्त बहुत लजीज। और आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर करते हैं, साथ रहिएगा। चले जी, थोड़ा सा हम प्लेट में निकाल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लेट हमारी तैयार हो गई है माशाल्लाह से, ये देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो हम बनाने लगे हैं आलू गोश्त। मैंने गोश्त को धो के साफ़ करके रखा हुआ है पानी डाल के। अब हम इसको डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम देचके में। यहाँ देचका ले लिया छोटा, इसमें हम डालेंगे डाल के पास। ये तकरीबन एक बड़ा एक छोटा सा था, दरमियान नहीं थे, तो इनको मैंने काट लिया। काट के तो अब हम इनको शामिल कर देंगे। इलायची डालेंगे एक टुकड़ा, और दालचीनी, ये दालचीनी डाल दी दो। हम इलायचियाँ काली डालेंगे, दूसरी इलायची कहेंगे हमारी, ये इलायचियाँ डाल देंगे दो। और इसमें डालेंगे पानी हसबे ज़रूरत, पानी शामिल करेंगे। अदरक पाउडर एक टेबलस्पून, आधा टेबलस्पून है ये दड़ा मिर्च, और धनिया पाउडर है एक टेबलस्पून। ये मसाले भी सारे हम शामिल कर देंगे। तो अब हम इसको ढक देंगे ताकि हमारा गोश्त जो हमने रखा है ये अच्छी तरह गल जाए, तो दूसरे फिर अगला स्टेप करेंगे। इसका ढक्कन लेकर आती हूँ। यहाँ मैंने रख दिया, चूल्हा ऑन किया है, अब इसको गलने के लिए रख दिया। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। पानी खुशक होने तक आ गया है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर सॉस। मैंने ये सॉस ही लेके आई हूँ फ्रेश नहीं। ये डालेंगे के बन खाने का चम्मच डाल देंगे। ये पीसे हुए हैं, आप इसका पानी खुशक होता है फिर हम तेल डालती हैं। चलिए यहाँ मैं चेक करती हूँ कि गोश्त गल गया। हाँ देख ले माशाल्लाह से गल गए। ये देखिए मैंने ऐसे हाथ ही लगाया तो बोटी ऐसी हो गई है, तो ये बिल्कुल गला हुआ है। अब हम इसमें तेल डालते हैं। तो यहाँ मैं आलू भी डाल लूँगी ताकि जो पानी है ये इसमें गल जाएंगे। तो फिर हम थोड़ा सा पानी लगाएंगे ग्रेवी के लिए। इसमें हम तेल भी डाल देंगे। इसमें ज़रूरत तेल डाल लेंगे, तकरीबन आधा कप। अब हमने इसको भूनना है, इसमें अच्छी तरह भून लेंगे जब तक घी ना छोड़ दे। जब जितना भूनेंगे उतनी इसकी स्मेल चली जाएगी। जो दालचीनी और इलायची डाली है इससे तो इसका बिल्कुल जायका तब्दील हो जाता है। ये देखें कितना अच्छा हमारा ग्रेवी बन रही है, प्याज वगैरह सब कुछ अच्छी तरह गल गया। बस इसको भूनना है हमने 2 मिनट ताकि घी छोड़ दे। तो फिर हम इसमें पानी थोड़ा सा डालेंगे। तकरीबन मुझे गालने में इसको 20 मिनट लगे थे।
गोश्त माशाल्लाह भुन गया। ये देखे घीर छोड़ दिया इसमें, बनाई हो गई है हमारी आलू और चिकन की, आलू और मटन की। तो अब हम इसमें डालेंगे पानी, ताकि जो आलू थोड़े से है ना, मुझे लग रहा है कि ये सख्त है तो इनको मैंने गलाना है। हाँ थोड़े से सख्त है, थोड़ा सा पानी लगाऊंगी ताकि एक दो मिनट में ये हमारे गल जाए। तो ग्रेवी हमने इतनी रखनी है जितनी हम, ज़्यादा नहीं थोड़ी कम ही रखेंगे। बस यहाँ मैंने डाला है आलू गलाने के लिए। चूल्हा बंद कर दिया, चले मिलते हैं फिर डिश आउट करने के बाद। तो आप अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। अगर वीडियो पसंद है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चले अल्लाह हाफिज़।